हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ अगेन वंस अगेन सॉल्यूशन ऑफ योर असाइनमेंट एमकॉम पार्ट वन सेमेस्टर टू। सब्जेक्ट नेम है एथिक्स कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, राइट, जिसका कोड है 3241-01-205। जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी, आपके असाइनमेंट का जो टोटल मार्क्स है वो है 100 मार्क्स का। चार क्वेश्चंस हैं आपके असाइनमेंट में टोटल, 1, 2, 3, 4। आउट ऑफ फोर क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व ओनली टू क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चन आपको करने हैं इन चार क्वेश्चन में से। तो मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चंस का ही आंसर कराऊंगा। इसमें से भी क्वेश्चन जो 3 और 4 है इसका मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन 4 का 4 पार्ट है। तो अगर आप क्वेश्चन 4 के 4 पार्ट्स के आंसर लिखते हो तो इसमें मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन 2 और 3 के 2 पार्ट्स हैं, तो क्वेश्चन 2 और 3 में से मैंने क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशंस कराया है, क्वेश्चन 2 नहीं कराया। और क्वेश्चन 1 एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसका अगर आप सॉल्यूशन लिखोगे तो हो सकता है माइट भी जो है इसमें मार्क्स जो है आपको कट सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो है क्वेश्चन 3 और 4 का सॉल्यूशंस करवाया इस वीडियो में। वैसे क्वेश्चन 1 और 2 का भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो जो है बना के अपलोड कर दूंगा, राइट। तो आइए ज़रा यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन 1, 2 और 3। तो 3 का सॉल्यूशन जो है यहाँ पे है पेज नंबर 2 पे। जिन लोगों को इसका आंसर जो है कॉपी करना है तो आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो आसानी से। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट एंड CSR रिपोर्ट, राइट। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, सबसे पहले लिखा हुआ है मैंने। फिर उसके बाद पेज 3 पे आते हैं, पेज 3 पे ये रहा स्टेटमेंट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नेंस प्रोसीजर एंड कंप्लायंसेस। ये सारी चीज़ें आपको कॉपी कर लेना है, राइट। इसमें से आप चाहो तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कुछ चीज़ें जो है आप इसमें शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट भी कर सकते हो। बट कोशिश करना है जो भी आप आंसर लिखोगे अपने असाइनमेंट के लिए वो आंसर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेजों में लिखना, कहने का मतलब लॉन्ग आंसर लिखना, क्योंकि एक क्वेश्चन का जो मार्क है एक क्वेश्चन के लिए आपको टोटल 50 मार्क्स मिलेगा, राइट। और एक क्वेश्चन में 2 पार्ट है, जैसे जो क्वेश्चन 3 है उसका ए और बी 2 पार्ट हैं। तो समझो आप एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का है तो पार्ट ए और पार्ट बी 25 ईच मार्क्स हो गया ना, 25 मार्क्स ईच हो गया, राइट। तो ए वाले का जो आंसर आपका जो है वो 25 मार्क्स के लिए है, और बी वाला पार्ट जो है क्वेश्चन सेम 3rd का ही, वो भी 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन जो 4 है उसके अंदर ए बी सी डी 4 पार्ट हैं, तो 12.5, 12.5, 12.5 और 12.5, ये इस हिसाब से आपका मार्क्स हो जाएगा। साथ साथ मैं स्लाइड्स को ऊपर करते चला जा रहा हूँ, जिनको कॉपी करना है तो आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो। इसके अलावा जो 1st और 2nd क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, उसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हम लोग पेज किस पे थे, पेज 5 से स्टार्ट कर देता हूँ। ये रहा पेज 5, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। CSR रिपोर्ट का आंसर ये रहा यहाँ पे, CSR रिपोर्ट क्या होता है। इसके बाद ये रहा पेज नंबर 6। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके असाइनमेंट का सॉल्यूशन लिखने में, आंसर लिखने में। ये पूरा का पूरा एक ही लाइन है, राइट, ये अलग अलग लिखा हुआ है बट ये है एक ही लाइन। उसके अलावा जिन लोग को इसका PDF चाहिए, मतलब इस सॉल्यूशन का, ये जो शीट में दिखा रहा हूँ आपको इसका, अगर आपको PDF चाहिए यहाँ से, तो बी पार्ट स्टार्ट हो गया है, डिस्कस दी कंपोजिशन एंड रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। सेक्शन 177 इसके बारे में बोलता है, कंपनीज एक्ट 2013, तो इसका सॉल्यूशन ये रहा। हाँ, तो मैं बोल रहा था जिन लोगों को PDF नोट चाहिए, मतलब इस ये जो फाइल मैं शो करा रहा हूँ इसका अगर PDF फाइल चाहिए, तो आप मेरे को जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और इंस्टा ID जो है मेरा वो ये रहा। तो आप यहाँ पर फॉलो कह रहा हूँ DM कर देना आप इंस्टा ID पे, तो मैं आपको जो है PDF का सॉल्यूशन जो है PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। बाकी जिन लोग को यहीं से कॉपी करना है तो आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अलावा आप जो अपना ईमेल ID भी जो है कमेंट सेक्शन में आप लिख दोगे तो मैं कोशिश करूँगा आपको ईमेल पर जो है ये PDF फाइल प्रोवाइड कराने का। बट द बेस्ट वे टू गेट PDF नोट्स, आप मेरे को DM करो इंस्टा पे, दिस इज़ द बेस्ट वे। ये रहा पेज नंबर 9। सर इसमें टोटल कितने पेजेस हैं, तो इसमें ऑलमोस्ट जो है 18 या 19 पेजेस का है ये सॉल्यूशन, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 दोनों का सॉल्यूशन है। ये रहा पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 तक है क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ से जो स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन,
ए पार्ट है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड एंड लीगल इशूज़, राइट। तो ये रहा सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 CSR, इसका शॉर्ट नेम CSR भी होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को CSR भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद है इसका नीड, नीड जो है CSR की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से है, ये पेज नंबर यहाँ पे आ जाएगा, नीड फॉर CSR, राइट। इसका सॉल्यूशन यहाँ से आप देख के कर सकते हो कॉपी। आई होप ये चीज़ जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके असाइनमेंट को लिखने में। बाकी आपका असाइनमेंट जो है लिखने के बाद, मतलब किस टाइप के पेज पे लिखना है, कैसे उसको जो है आपको सबमिट करना है, ये सारी चीज़ें जो है आपके SOL की वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो वहाँ से आप एक बार रीड आउट करके फिर उसके हिसाब से आप अपना सबमिट करना। मैंने सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन आंसर आपको दिखा दिया है। इसके बाद है यहाँ पे पार्ट बी, इंडिपेंडेंट वुमेन माइनॉरिटी शेयर होल्डर डायरेक्टर, क्वेश्चन 4 का पार्ट बी का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहला वुमेन डायरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है, ये रहा यहाँ पे 100 करोड़ और मोर होता है, टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर एवरी पब्लिक कंपनी के लिए, तो फिर उसमें आपको ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा फिर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए क्या क्या कंडीशन है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, और टर्नओवर जो है 100 करोड़ और मोर होना चाहिए। उसके अलावा और भी लिखा हुआ यहाँ पे, ये इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग डिवेंचर डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़ और मोर, तो सिंपली आप जो है वीडियो को पॉज करके ईजिली कॉपी कर सकते हो इसका सॉल्यूशन। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और अगर आपको ये हेल्प किया है आपके सॉल्यूशंस को लिखने में, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। जो भी आपके एमकॉम के फ्रेंड्स हैं तो उसे आप ज़रूर शेयर करो, आंसर्स को सॉल्यूशंस को लिखने में उसको हेल्प मिलेगा। यहाँ से फिर स्टार्ट होता है क्वेश्चन 4 का पार्ट सी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, राइट। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, राइट। तो इसका सॉल्यूशन भी यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। फिर है ये पेज नंबर 16, इसके बाद जो है पेज नंबर 16 के बाद जो है ये रहा यहाँ पे पेज नंबर 17 में पार्ट सी का आंसर कंप्लीट होता है, और 17 में क्वेश्चन 4 का पार्ट डी, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इट्स प्रोहिबिशन, इसका सॉल्यूशन यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये रहा, ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 195 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। उसके अलावा ये रहा इसका पेज नंबर 18, दैट इज़ लास्ट पेज। तो यहाँ पे आपका जो है ये असाइनमेंट सारे कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प किया होगा, राइट। तो जाते जाते जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना कराएं, वो लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहूँगा तो वो भी आपको जो है नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।